प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस जब हम बात करते हैं प्राइज डिटर्मिनेशन की तो इन मार्केट प्राइसेस आर डिटर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिमैंड एंड सप्लाई बट देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिमैंड एंड सप्लाई इन अ पर्टिकुलर मार्केट जब आप उन फैक्टर्स की बात करते हो तो जब हमने डिमैंड को स्टडी किया था हमने कहा था डिमैंड इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय एंड देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन चेंज डिमैंड अब जब आप चेंज इन डिमांड की बात करते हो दैट चेंज इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इट माइट बी पॉसिबल देर इज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन फिर इसी पैटर्न पर जब आप सप्लाई की बात करते हो सप्लाई चेंज इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स उनमें कौन से फैक्टर्स हैं उनमें एक तो यह है कि अगर प्राइस ऑफ इनपुट चेंज हो जाए तो क्या होगा देर इज चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अगेन क्या होगा इट हैज समुस ऑन दप्लाई फिर हमने कुछ ये भी बात की थी कि डिमेंड इज बेसिकली ऑप्टीमल ऑप्टीमल कंबीनेशन दैट आर कंज्यूमर्स वॉन्ट्स टू परचेज और ये ऑप्टीमल कंबिनेशन कौन से दीज आर बेसिकली दो कंबी बाई यूजिंग वेच कंज्यूमर इज मैक्सीजिंग हेज सेटिस्फेक्शन फिर इसी तरह जब आपने सप्लाई की बात की थी ये भी क्या है अगेन ऑप्टिमल कंबिनेशन दैट प्रोड्यूसर्स वॉन्ट टू प्रोड्यूस अब यहां पे क्या होता है आर बेसिकली ऑप्टिमल वेयर प्रोड्यूसर इज मिनिमाइजिंग हिज कॉस्ट हां जी अब मार्केट में जब आपके पास इक्लिब्रियम होगा वो किस बेस पे होगा कि मार्केट इक्लिब्रियम इज ऑब्जर्व एट अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई अब ये जो सारी आप कह लें कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विब्रियम प्राइस एंड इक्लिब्रियम क्वांटिटी होगी दैट टेक्स प्लेस इन मार्केट अब आप जब आप मार्केट्स की बात करोगे तो यूजुअली वी कैटेगराइज मार्केट्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ कंपेटेटिव मार्केट एंड नॉन कंपेटेटिव मार्केट्स अब ये सेग्रीगेशन हम किस बेस पे करते हैं दिस सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट nature of the product that is being traded in the market and at the same time it has some there is some role of entry and exits in a market entry and exits of the firms entry and exits of the producers in a particular market record important factor that is the knowledge knowledge of buyers and sellers about market conditionalities जब हम फार्मर्स की बात करेंगे अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड कर्व यूजुअली क्या होगी डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर लेकिन जब आप इंडिविजुअल फार्मर्स की बात करोगे देन इट माइट बी पॉसिबल डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक या इट माइट बी पॉसिबल डिमांड फॉर फार्म आउटपुट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पैटर्न पे जब आप सप्लाई की बात करोगे इट माइट बी पॉसिबल के इन द मार्केट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक और मार्केट्स जो हैं ये एक अपना रोल प्ले करेंगी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट लेकिन वहां पे भी प्राइस डिटर्मिनेट किस बेस पे होगी कि प्राइसेस आर डिटर्मेंड इन बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई और जिस तरह आप कह लें बाकी सारी चीजें हमने कभी देखी थी कि इफ देर इज चेंज इन डिमांड देर इज चेंज इन प्राइस दैट प्रिवेल्स इन मार्केट देर इज चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस सिमिलरली हमने वहां पे कुछ इस तरह की भी बातें की थी कि इफ देयर इज चेंज इन सप्लाई अगेन क्या हो रहा था देयर इज चेंज इन इक्विलिब्रियम सप्लाई फिर हमने वहां पे कुछ इलास्टिक और इन इन इलास्टिक रेफरेंस में भी डिस्कशन की थी कि नेचर ऑफ द इलास्टिस नेचर ऑफ नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमेंड एंड सप्लाई है डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज दैट प्रिवेल इन मार्केट लेकिन ये जितनी भी हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं सब में क्या चीज आ रही है मार्केट इट इज मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर इंट्रैक्ट और मार्केट करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें एक ड्यू रोल प्ले करेगा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस